बुक बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है बुक की अभी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकिंग फैक्टर होता है। ये हमको बताता है कैश पोजीशन कैसे कैसे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के थ्रू। इसमें हम पूरे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को लिखेंगे, ठीक है। तीन एक्टिविटीज, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब तीन आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब ये माना जाता है कि तीन सोर्स होते हैं जहां से मनी आती या जाती है, ठीक है। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तब यूज होता है जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर एंड कैश सेल्स की अमाउंट। अगर ये कैलकुलेबल नहीं है, इसको आप कंप्यूट नहीं कर सकते, तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के लिए हमको चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और कैश सेल्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स और कैश परचेस। ये चीजें नहीं निकल सकती, तो हम इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते। डायरेक्ट मेथड से नहीं बनेगा तो फिर इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा, और इस केस में हमको बैलेंस शीट दी रहेगी 2 साल की, लास्ट ईयर और करेंट ईयर की, ठीक है। सिर्फ बैलेंस शीट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। चलो लिखो, इट इज एन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू नो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नेक्स्ट लाइन में लिखना। देयर आर थ्री सोर्सेस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखो, फर्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डैश करके लिखो। इन दिस सोर्स वी रिकॉर्ड ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैश परचेस,
पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें कौन सी चीजें लिखेंगे जो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए हमको हम पे करते हैं या रिसीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लिखो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन दिस सोर्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट दैट इज परचेज ऑफ असेट्स सेल्स ऑफ असेट्स इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट मतलब मनी जो बिजनेस इन्वेस्ट करता हो। मनी बिजनेस कहां इन्वेस्ट करता है, असेट्स में। तो असेट्स परचेज करे हो, असेट्स सेल किए हो। ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक, नेक्स्ट लिखो थर्ड, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। In this source, the amount collected by organization in the form of issue of shares issue of debentures loan taken public deposit received etc and amount paid back in the form of amount paid back in the form of redemption of preference shares redemption of preference shares loan paid back redemption of debentures
एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इसमें फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फंड अरेंज करना अपने बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, शेयर्स इश्यू करके, या आपने डिबेंचर्स इश्यू किया है, या लोन लिया है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ये सब चीजें किसमें आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनको इनको इश्यू करके मनी कलेक्ट करना या इनको रिडीम करना, डिबेंचर्स को रीपे करेंगे, लोन रीपे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करेंगे, डिविडेंड पे करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सब चीजें किसमें आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग CFS। डैश करके लिखो, देर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर CFS। फर्स्ट लिखो डायरेक्ट मेथड, लिखो व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी गिवन, एंड इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक्सेट्रा देन दिस मेथड इज फॉलोड। न्यू पेज से बनाना, इसको पूरा एक पेज लगेगा क्योंकि
सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, लेस कैश परचेज, हमेशा याद रखना नेगेटिव अमाउंट हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरी, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस जो पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा। ये जो अमाउंट आएगी वो आएगी कैश बिफोर टैक्स, इसमें लेस टैक्स पेड, अब जो अमाउंट आएगी वो सेकेंड कॉलम में जाएगी, यह आएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना फर्स्ट कॉलम में करेंगे, इस वाले कॉलम में सिर्फ तीन अमाउंट आएगी, सिर्फ तीन अमाउंट, कौन सी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की फाइनल अमाउंट जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। और ये अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, नेगेटिव आ रही है तो उसमें घबराने का कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, ठीक है। हो गया, हो गया, इसी के कंटिन्यूटी पे लिखना ना, इसको बंद नहीं करना। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ असेट, असेट परचेज करोगे तो कैश आएगा कि जाएगा, इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, तो जो भी अमाउंट आउटफ्लो किया वो नेगेटिव रहेगी, वो ब्रैकेट में लिखेंगे हम। सेल्स ऑफ असेट्स, इसमें कैश इनफ्लो होगा, असेट सेल करेंगे तो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव अमाउंट है, क्यों, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड,
अब जो अमाउंट आएगी वो होगी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लोन टेकन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये आउटफ्लो है ब्रैकेट में आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रीपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। यह आ जाएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये अमाउंट भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, मतलब तीनों तीनों एक्टिविटी में पॉजिटिव या नेगेटिव अमाउंट हमको दिख सकती है। ठीक है, अब जो तीनों अमाउंट आई है लास्ट कॉलम में लिखे हो ना, ये या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन सीसीई जो सेकेंड कॉलम है। ठीक है, तीन अमाउंट आएगी वहां पे, कौन कौन सी? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उन दोनों को तीनों को ऐड करोगे तो यहां पे जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगा, या तो इंक्रीज इन सीसीई आएगा या डिक्रीज इन सीसीई आएगा। कब इंक्रीज और कब डिक्रीज आएगा? इफ पॉजिटिव इंक्रीज इन सीसीई और इफ नेगेटिव डिक्रीज इन सीसीई। अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज इन सीसीई और अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज इन सीसीई। हो गया।
अब सीसी किसको बोलते हैं? सीसीई का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के बराबर, इक्वल टू कैश, इसको हम बोलते हैं सीसीई। ठीक है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है सीसीई इज इक्वल टू कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अप टू 3 मंथ्स, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ्स के लिए किया गया उसको हम सीसीई में इंक्लूड करते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 3 to 4 sorry 3 to 12 मंथ्स के लिए तो है तो वो भी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं? जो 1 ईयर से कम का हो। बट अगर 3 मंथ्स तक का इन्वेस्टमेंट है तो सीसीई में आएगा, और अगर 3 मंथ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम सीसीई में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है ये जिसको हम कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम इक्वल टू क्या मानते हैं? कैश। नेक्स्ट लिखो इनडायरेक्ट मेथड। लिखो व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स देन वी विल बी गिवेन टू ईयर्स बैलेंस शीट। क्या दिया रहेगा हमको? 2 साल की बैलेंस शीट। ठीक है, एंड सम इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। देन इनडायरेक्ट मेथड इज फॉलोड। देखो चेंज किस में हो रहा है? अभी डायरेक्ट मेथड से आपने सीएफएस बनाया ना, उसमें क्या दिख रहा है आपको? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने यहां पे क्या लिखा? अगर हम कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम किस में जाएंगे? इनडायरेक्ट मेथड। मतलब फर्क किस में पड़ना है? सिर्फ पहली एक्टिविटी में, वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों मेथड में सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ किस में चेंज आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। अब यहां पे जो मैं लिख रहा हूं उसको एज इट इज लिखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, है ना। करेंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, हमेशा करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट करना है, ठीक है। ठीक, जैसे आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है 5000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 3000, तो हम कितना लिखेंगे 2000। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है 2000 और लास्ट ईयर का है 2800, तो इसको ऐसे ही लिखना, 2800 माइनस 2000 करोगे तो यहां पे 800 आएगा, यहां पे भी 800 आएगा, बट किस में आएगा वो माइनस में, और यहां के पूरे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो। समझ में आया? चाहे अमाउंट नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमको मेथड वही रखना है, क्या, करेंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, मेरे को कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ है ना कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तो हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन पे करते हैं क्या किसी को, नहीं। जनरल रिजर्व में जो फंड ट्रांसफर करते हैं वो पे करते हैं किसी को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, ये सब क्या है, एक रिजर्व है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं बट पे नहीं करते हैं। तो नॉन कैश आइटम्स को हटा देंगे अगर, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कैश आइटम्स, ठीक है। तो हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसमें एड डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ करने का मतलब होता है डिक्रीज करना, है ना, वैल्यू डिक्रीज करना। तो गुडविल भी एक असेट है जिसमें हम वैल्यू डिक्रीज करते हैं बट उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, राइट ऑफ, ठीक है। इसमें लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स इंटरेस्ट रिसीव्ड नेगेटिव अमाउंट, ब्रैकेट में ही लिखना इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऊपर का हो गया, लिख लिया सब, D
डिविडेंड रिसीव, देखो इंटरेस्ट रिसीव ये तो मनी मिलेगी मेरे को, डिविडेंड रिसीव ये भी पैसा मिल रहा है, ये कैश आइटम है, बट जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है उसको हम कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब जो अमाउंट आएगी वो होगी कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, मतलब हमको यहां पे क्या एडजस्ट करना है, करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब एड इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, लेस डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, एड डिक्रीज इन करेंट असेट्स, लेस इंक्रीज इन करेंट असेट्स। अब जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश बिफोर टैक्स, लेस टैक्स पेड अब जो फाइनल अमाउंट आएगी वो सेकंड कॉलम में जाएगी, वो होगी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक हो गया, नेक्स्ट बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेम एज डायरेक्ट मेथड, ठीक है डायरेक्ट मेथड में जो आता है वही। सी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी सेम एज डायरेक्ट मेथड।
अब जो आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सीसी। हो गया, लिख लिया इतना। देखो जब इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग जो चेंज होने वाला है सिर्फ क्या चेंज होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से स्टार्ट होगी, नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट हमेशा हमको क्या लिखना है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, चाहे अमाउंट पॉजिटिव आए या नेगेटिव। ठीक है, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर लिखना है। पॉजिटिव लाने के चक्कर में लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर नहीं करना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें हम वो चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कैश से रिलेटेड नहीं है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे आपने लिखा डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, ठीक, ये सब चीजें क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ। ठीक, फिर उसमें माइनस क्या किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, फिर जो अमाउंट आएगी वो आएगी कैश बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर उसमें हम किसको एडजस्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज। अब उस रूल को याद रखना बहुत जरूरी है, किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है, तो बहुत ही इजी तरीका उसके लिए। करेंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करोगे, प्लस, डिक्रीज होगी तो, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस हो रहा है तो करंट असेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो समझ में आया, इसको हमेशा कहाँ लिखना है, मार्जिन में लिख लेना जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो, और पेपर हॉल में भी जाके पीछे पेपर में लिख लेना रफ एरिया में। ठीक है, जहां रफ करोगे इसको, करंट लायबिलिटी इंक्रीज उसको उल्टा करते जाओ, फिर डिक्रीज होगी तो माइनस, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस हो रहा है, तो असेट इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। ठीक ठीक तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, फिर आएगा अमाउंट बिफोर चेंज, सॉरी टैक्स पेड, फिर उसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स पेड, फिर आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंस सेम जो डायरेक्ट मेथड में लिखे हो वही, परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन टेकन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन प्रीपेड, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये सब किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आया, कल से बनाएंगे क्वेश्चन।